दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है, अभी मैं आया हूँ तरैनी के दंगल में। यहाँ पर कुछ अपने भाई लोग मिल गए हैं, इनसे अपन चर्चा कर लेते हैं। ये बोल रहे हैं, इनकी बात को अपन सुनते हैं कि ये तरसमा में दंगल हो रहा है, उसके लिए ये कुछ कहना चाहते हैं। चलिए बात कर लेते हैं। भाई क्या नाम है? मेरा नाम अजीत पहलवान है जी। मैं तरसमा गांव से बहुत दिनों से जुड़े हूँ। थोड़ा लाउड बोलिए। दुनिया जगत में इस चंबल की धरती का नाम है और चंबल की धरती में शहीदों की भूमि तरसमा का बहुत बड़ा योगदान रहा है। सबसे ज़्यादा शहीद योगदान रहा है वहाँ का। तो कहीं ना कहीं हमारे मित्र हैं जो तरसमा से हैं, अंकित तोमर पहलवान जी, ठीक है, उनकी वहाँ पे सोच गई कि हम अपने शहीदों के लिए याद में एक विशाल दंगल का आयोजन करवाना चाहते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा चौटई में होता है। हाँ। तो सबका प्राचीन है, तो इनकी सोच गई कि भाई हम कहीं ना कहीं अपना शहीदों के लिए कुछ एक दिन ऐसा रखें जिससे हम अपने शहीदों को माल्यार्पण याद कर सके। ठीक है। तो उनकी याद में एक बहुत विशाल दंगल आयोजन करवाने जा रहे हैं हमारे अंकित पहलवान जी, और आगे ये बताएंगे। ठीक है जी। पहलवान जी थोड़ा अपना एक परिचय दे दीजिए। पहले तो सभी को राम राम है, और जो भी भाई इस वीडियो को देख रहा है तो पहले इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें। जब तक आप शेयर करेंगे ताकि हर बच्चे तक ये मैसेज जाना चाहिए कि हमारे क्षेत्र में एक नए दंगल का एक शुभारंभ होने वाला है। तो मेरा नाम है अंकित तोमर पहलवान, वैसे पहलवान तो नहीं, थोड़ी बहुत की है। हमारा जो गाँव है शहीदों की भूमि तरसमा, और अगर अपने गाँव के बारे में बताएं तो कोई परिचय का मोहताज नहीं है, क्योंकि अभी तरसमा गाँव है उसका एड्रेस बता दीजिए, जो भी पहलवान वीडियो देख रहे हैं उनको पता होना चाहिए। जितने भी पहलवान हैं, क्षेत्रीय पहलवान हैं, सभी से अनुरोध है कि आप पोरसा के पास में ही 9 किलोमीटर दूर हमारा गांव तरसमा है, और सभी पहलवानों से अनुरोध है कि सभी पहलवान आए वहाँ, और सभी का स्वागत है, और बस यही कहना चाहते हैं। ठीक है। किस तरह की व्यवस्थाएँ रहेंगी वहाँ पर? व्यवस्थाओं का ऐसा रहेगा कि जो बाहर से दूर से जो बड़े बड़े पहलवान आ रहे हैं, अपने नंबर के चोटी के पहलवान, स्पेशल पहलवान, ठीक है, उनका किराया खर्चा भी दिया जाएगा, उचित इनाम समझ के उचित इनामें दी जाएंगी। जो बड़े पहलवान हैं उनको बड़ी इनामें दी जाएंगी, जो कमेटी को उचित लगेगा स्पेशल पहलवान है उनकी द्वारा भी कुश्ती कराई जाएंगी। व्यवस्था बढ़िया रहेगी, सब चीज जैसे पहलवानों को चाहिए कि हमारा हम अच्छा उज्ज्वल भविष्य के कामना के लिए, जैसे कोई पहलवान है उसको उभरना है, अच्छा लड़ने वाला है, उसकी चार चार कुश्तियां भी करा जाएंगे। और दंगलों की तरह नहीं होगा कि ये लड़ चुका है फिर इसकी कुश्ती नहीं होगी, अच्छा उभरता हुआ पहलवान किसी तरह का पक्षपात नहीं होगा, किसी तरह का पक्षपात नहीं होगा। कोई एरिया का पहलवान ये नहीं होगा कि एरिया के पहलवान की करा दी, बाहर की नहीं कराई। जैसे आपने काफी दंगलों में, आप तो रिपोर्टर हो, आपने सुना है इस साल और आपको पता भी है, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। क्या क्या रूल्स रहेंगे दंगल के? रूल्स ये रहेंगे कि अगर पहलवान चित नहीं होता है, कुश्ती 20 मिनट का टाइम दिया जाएगा। इस दंगल में सबसे विशेष ये है कि अभी तक चंबल संभाग में जितने भी दंगल हुए हैं मिट्टी के, वहाँ पे पॉइंट से कुश्ती जीती नहीं दी गई। अगर कुश्ती का फैसला चित फट नहीं होता है तो इसमें पॉइंट से फैसला लिया जाएगा। जैसे अपने हरियाणा, महाराष्ट्र, पंजाब में देखने को मिलता है, वही टेक्निक से कुश्तियाँ होंगी। ये पहला दंगल चंबल संभाग शहीदों की भूमि तरसमा में होने जा रहा है, ऐसा दंगल। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।